जिन चमचों के कहने पे आपने मेरा टिकट काटा है, उन चमचों को आप अगली बार विधानसभा सांसद न लड़ा के आप मुखिया का चुनाव लड़ाइए, मुखिया नहीं वार्ड में लड़ाइए, और आप अपने प्रशासन को हटा लीजिएगा। हम बता देते हैं वहाँ जमानत जब्त हो जाएगा उन लोगों का। लूट खसोट का अड्डा है, बोलता है पानी चालू कर दिए, नल में पानी है नीतीश कुमार उनके साथ छल किया। सुमित सिंह आप लोगों ने काम करके दिखाया है। यही बात पर सर समझ लिया, समझ लिया। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार सीट की उलटफेर लगी हुई है। अब तक बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं वो नाखुश भी दिखाई दे रहे, क्योंकि जदयू के कैंपेनिंग में चल रहे जो विवाद विवाद है वो कहीं ना कहीं सीट के उलटफेर को लेकर नेताओं में रोष की भावना उत्पन्न हो गई है। इस बार हम बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चकाई विधानसभा अंतर्गत पड़ने वाले केंदुवालेवार में स्थित है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की महिलाएँ किस प्रकार से अपना समर्थन और किस नेता को देखेंगी। किसको चुनेंगे इस बार आप लोग विधानसभा? सुमित भैया का। सुमित भैया, सुमित सिंह को क्यों, उन्होंने क्या कार्य किए? हम लोग को हार भी जाता है तो भी आता है, जीत भी जाता है तो पर आया, मेरा घर का नेता है। किसको आप लोग चुन रहे हैं इस बार का? किसको चुन रहे हैं? सुमित भैया को। सुमित सिंह को? हाँ। क्यों, किसी और को क्यों? हर चीज घर का नेता है, हम लोग के साथ नए बिहार भी है फिर भी ठीक है, जीत भी है फिर भी ठीक है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किसको चुन रहे हैं इस बार अपने क्षेत्र? सुमित सिंह को। आप लोग? सुमित सिंह को। सुमित सिंह। सुमित सिंह को। सुमित सिंह क्यों? सुमित सिंह। सुमित सिंह क्यों? सुमित सिंह आप लोगों ने काम करके दिखाया है। कोई और क्यों नहीं? और क्यों नहीं, क्यों हमारे पूर्व में जो विधायक थी सावित्री देवी, वो उन्होंने क्या कहा? दिखी नहीं, कहीं नहीं दिखी, 5 साल कहीं दिखी नहीं, सिर्फ सुमित देखा। 5 साल में कौन आया था विधायक में देखने के लिए? सुमित सिंह आए थे। मतलब हारने के बाद भी आए थे? हारने के बाद भी सुमित सिंह आए थे। सुमित बाबू जो है यहाँ का जनप्रतिनिधि है, और चुनाव हारने के बाद भी गाँव गाँव में दौड़े, कोरोना हुआ उस समय भी यहाँ के लोगों को साथ देखिए। मुझे नहीं लगता इस बार चुनाव में किसी भी दल की स्थिति बहुत अच्छी है, और इस बार निर्दलियों की जो स्थिति होगी वो आप देख सकेंगे कि अगला जो आगामी विधानसभा होगा, मुझे लगता है कि जो स्थिति बनी है अभी राजनीतिक स्थिति, क्योंकि किसी भी दल ने सही उम्मीदवार का चयन नहीं किया, किसी भी दल ने, जैसे मानो तो लगता है कि सभी दलों में दलदल हो गया है, इसलिए हमको लगता है कि अब सबसे बेहतर निर्दल ही रहने वाला है। आपने चुनाव से पहले जदयू के माध्यम से कैंपेनिंग किया था, और अचानक जदयू का आपको सत्ता में सीट नहीं देना, क्या? देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये नेता की मर्जी पे होती है, ये सब चीज़ नेता तय करते हैं, और नेता आजकल हमारे जो हैं वो कमरे में बंद हो गए हैं, कुछ चंद चमचों के कहने पर वही चमचे के चेले को हम तो आपके माध्यम से बोलेंगे, हम अपने नेता को सुनाएंगे, हम उनको स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि वो चंद चमचे जिनका कोई वजूद नहीं है, आगामी 1 साल बाद मुखिया चुनाव हो रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जिन चमचों के कहने पे आपने मेरा टिकट काटा है, उन चमचों को आप अगली बार विधानसभा सांसद न लड़ा के आप मुखिया का चुनाव लड़ाइए, मुखिया नहीं वार्ड में लड़ाइए, और आप अपने प्रशासन को हटा लीजिएगा। हम बता देते हैं वहाँ जमानत जब्त हो जाएगा उन लोगों का। बबलू जी, क्या कहना चाहेंगे सुमित सिंह के बारे में? यहाँ पर जनता जो कह रही है, और अभी भी आप मौजूद है हमारे एक्सक्लूसिव लाइव में, कि 5 साल हारने के बाद भी सुमित जी ने लगातार अपने क्षेत्रों का भ्रमण किया है। जैसा कि मुझे मालूम है हर्ष जी, कि सुमित कुमार सिंह, बिक्की सिंह जी जो हैं, 2010 से ही जमुई जिला का युवा का मसीहा है, वो हर सुख दुख में जमुई जिला के लिए कोई भी कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और ख़ासकर अपने विधानसभा झाझा के सबसे लास्ट 243 विधानसभा क्षेत्र चकाई के लिए तो ये अपना जीवन आत्मसमर्पण कर दिए हैं, यहाँ के युवा के लिए, बुजुर्ग के लिए, नौजवान के लिए, हर सुख दुख में। वो 2010 में चुनाव जीते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लेकिन नीतीश कुमार ने बोला कि हम लोग बिहार का विकास करेंगे, हम में आइए, वो सब चीज़ छोड़ के नीतीश कुमार पर विश्वास जताएं, और 2010 से 2020 तक पार्टी को खड़ा करने का चकाई में काम किए, लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ छल किया। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ के ही जनता, पूरे बिहार के जनता जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाते हैं, तो इस बार बिहार के जनता और चकाई के जनता सुमित सिंह को जिताकर पटना भेजने का काम करेंगे, और नीतीश जी को बता देने का काम करेंगे कि आप ही नहीं,
जमुई जिला का विकास पुरुष सुमित कुमार भी है, ये विकास पुरुष है। नीतीश कुमार के कार्यों को 15 साल में आप कितना रेटिंग देंगे? नीतीश कुमार के कार्यों को देखिए, नीतीश कुमार 15 साल में 5 साल बहुत अच्छा काम किए, हम लोग भी खुश हैं। 2010 में इनका काम बहुत बढ़िया रहा, 15 और 20 में इनका कोई काम धरती पर समझ में नहीं आ रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं। लूट खसोट का अड्डा है, बोलता है पानी चालू कर दिए, नल में पानी नहीं, ठीक है मकान बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, कुछ ऐसा विकास नहीं है। देखिए रोड भी देखिए, 50% बना है, 50% अभी उबड़ खाबड़ है। इसलिए नीतीश कुमार इधर 5-10 साल से सोए हुए हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं। विकास के नाम पर अभी इनका जीरो है, और नीतीश कुमार को भी पिछले 2010 वाला 5 साल का काम करके दिखाना होगा, तभी बिहार के विकास जनता उस पर विश्वास करेगी। बस यही कहना मैं चाहूँगा। जिस प्रकार से जनता का यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन मिल रहा है कि नीतीश ने वाकई योजनाएं लागू की है, लेकिन उसको धरातल पे उतारने का कार्य नीतीश सरकार ने नहीं किया। हम बात करना चाहेंगे क्वारंटाइन सेंटर की भी। बात आपने देखी होगी कि हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था, लाखों की लूट खसोट का मामला सामने आया। नल जल योजना वाकई लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन आखिर वो योजना धरातल पे उतरे तभी तो। कहीं ना कहीं ये सब मामला बहुत गंभीर है, जांच का भी विषय है। और चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने भी अपनी पार्टी के पक्ष में रखकर ये कहा कि अगर LJP की सरकार बनेगी तो वो भी इस मामले में 7 निश्चय योजना में सबसे पहले इस चीज़ की जांच करवाएंगे कि वाकई योजनाएं जो धरातल पर उतरी है क्या उसमें लूट खसोट का मामला तो नहीं है। शुभम बर्णवाल के साथ कुमार हर्ष की सबसे खास रिपोर्ट।